शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट पेश करते हैं आज की खबरें। बहादुरगढ़ शहर में बुधवार को जिला अध्यक्ष कर्मवीर राठी के कार्यालय पर एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में डीजल व पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी व जनता की जेब पर डाका डालने का काम भाजपा सरकार कर रही है, यह कहना है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिलाध्यक्ष कर्मवीर राठी का। उन्होंने मीटिंग में चर्चा करते हुए कहा कि डीजल व पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की वह कड़ी निंदा करते हैं। वहीं इस मीटिंग के अवसर पर राजबीर परनाला, पूर्व पार्षद राजेश तंवर, नरदेव दहिया, पार्षद प्रवीण छिल्लर, दलजीत दलाल, हरदीप खैरपुर, संजय राठी, रमेश राठी, मंजीत लडरावन, सोनू राणा, हरविंदर राणा, सिद्धार्थ कुमार, संजीव मलिक, संदीप दलाल, करतार पूर्व सरपंच जगबीर रूहिल, सुमित कुमार, जगत सिंह सहित अनेक इनेलो कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर उनका कहना था कि डीजल और पेट्रोल के बहुत ज्यादा भाव बढ़ गए हैं, हर आदमी परेशान है। हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि जब डीजल और पेट्रोल के भाव ऐसे ही बढ़ते रहे तो हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगी इस बात को लेकर, और सरकार का पुतला भी फूकेंगे और ज्ञापन भी देंगे। देखो, तो ऐसी सरकार कभी नहीं आई जो हर रोज़ डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, हर रोज़ डीजल के भाव, हर 9 दिन से लगातार डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। देखो, डीजल और पेट्रोल के भाव, हर आदमी परेशान है, दुकानदार परेशान है, व्यापारी परेशान है, और किसान तो बहुत ज़्यादा परेशान है। आज किसान इतना परेशान है कि उसमें घर में बेचारे के रोटी के लाले तक पड़ गए। तो सर ये बताएं, जैसे कृषि मंत्री ने कहा था, हाँ कृषि मंत्री जो बहुत बड़ा बयान था कल का अखबार में कि किसान और कमेरे जो 5-6 गाँव की ग्रांट के बारे में उन्होंने कहा कि मैं 6 करोड़ रुपये ग्रांट देना चाहूँगा, तुम 5 आदमी कैसे आ गए, ट्रॉली भरकर क्यों नहीं आए। अब किसान और कमेरा और गांव का सरपंच और जिम्मेवार आदमी कब तक इनके चक्कर काटते रहेंगे। कहने के बाद तो बहुत बड़ी बात है, इनके बाद 6 करोड़ रुपए देंगे, क्या अपने घर से थोड़ी दे रहता। सरकार का पैसा, सरकार का पैसा किसान और कमेरे का और टैक्स का पैसा है। मंत्री जी की ये बहुत दुर्घटनीय बात है, बहुत दुख की बात है कि भाई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। 6 आदमी आ गए थे, ग्रांट की बात थी, क्या ग्रांट देनी थी, दे देते। अब कहाँ से आएंगे ट्रोली भर भर के, इतनी गर्मी में आदमी आके छिकलिए, झोड़ सारे खाली पड़े हैं, झोड़ सारे खाली पड़े हैं, पानी कहीं नहीं है, बिजली जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। किसान की बिजली 5 घंटे कर दी, क्या होगा 5 घंटे में, 5 घंटे तो किसान के पानी का नाका भी नहीं लगा। वो तो नाका पानी जाता है, वो 1 घंटे में तो नाका पानी लग गया है और 5 घंटे में बिजली चली जाएगी, उसमें एक तो बीच में कट भी आ जाते हैं। तो आज हर आदमी परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है। गाँव में बिजली नहीं है, देहात में तो मुश्किल से 2 घंटे बिजली आती है, वो बीच में 2-3 कट आ जाते हैं, तो हर आदमी परेशान है। बहादुरगढ़ में सिर्फ पानी का संकट गहरा है उसके ऊपर, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दरा नहीं। बहादुरगढ़ में जो है ना 3-3 दिन में 4-4 दिन में पानी आ रहा है, 5-5 दिन में पानी आ रहा है, सारे टैंक खाली पड़े हैं। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है इसमें कोई दोराय नहीं है, हर आदमी परेशान है। उसमें किन किन चर्चा हुई? आज मीटिंग इसलिए ली गई कि डीजल और पेट्रोल के दाम हर रोज़ बढ़ रहे हैं, तो इसके रोकने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए कि भाई गरीब आदमी की मार हो रही है, आप अपने रेट वापस लो, गरीबों को राहत दो। अगर गरीबों को ऐसी राहत नहीं मिली, ऐसे ही रेट बढ़ते रहे डीजल पेट्रोल के, तो हमारी पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी और इस रेट को वापस लेने के लिए मजबूर करेगी सरकार को। हम तो ये कहना चाहते हैं कि इसमें लोगों को राहत देनी चाहिए। जब ये बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो ये कहती थी गरीबों को हम रोज़गार देंगे, हर इंसान को पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी 24 घंटे। बिजली किसान को ज़्यादा पढ़नी चाहिए क्योंकि पानी का जो है लेवल इतना नीचे गया, जो भराई 8 घंटे में होया करती वह अब जो है ना 16 घंटे में भी उतनी नहीं हो रही, तो बिजली चाहिए थी थो ज़्यादा और उन्होंने कर दी कम। उधर रेट तो डीजल पेट्रोल के इतने बढ़ा दिए कि किराए इतने बढ़ गए कि आम आदमी उसकी मार में है। और जैसे इन्होंने नारा दिया था शिक्षा बढ़ाएंगे, शिक्षा के 70 पाप देख लीजिए, बच्चों के क्या हाल हो रहे हैं, पेपर लीक होते हैं फिर ये कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह रोज़गार के मामले में ये अपनी तरफ से नौकरी लेना नहीं चाहते,
क्योंकि ऐसे सिस्टम लगाते हैं कि भाई नौकरी किसी तरह ना लगे, कभी फार्म कैंसिल हो गए, कभी कुछ हो गए, फार्म के नाम से बच्चों से लूट मचा रहे हैं। इधर तरफ देख लीजिए, रोज़ाना रेप के केस आते हैं, अखबार में पढ़ो पहले ये केस आते हैं, जबकि आना चाहिए भाई जनता के सुख सुविधा के लिए, कोई व्यापार के लिए, किसान के काम के लिए, लेकिन वे तो आते नहीं। ज़्यादातर एक्सीडेंट और रेप चोरी की घटनाएं, ये किसकी कमी है? गवर्नमेंट की कमी है, लोगों की सुरक्षा नहीं मिल रही, इसलिए लोग हर इंसान डरा हुआ है। माँ बाप अपनी बेटी को तो बाहर निकालने के लिए खुश नहीं है, और जब तक भाण बेटी बाहर नहीं निकलेगी तो पढ़ाएगी कहाँ से, पढ़ेगी कहाँ से? इधर ये कह रहे हैं बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, तो बेटी तो तभी सुरक्षित रहेगी ना जब सरकार उनकी मदद करेगी। ठीक, शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें।